नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये सवाल सुन के तंग आ चुके हो कि पापा आप मेरे लिए साइकिल कब लाओगे, कि भैया आप मेरे लिए साइकिल कब लाओगे, कि मम्मी आप मेरे लिए साइकिल कब लाओगे, और बजट है थोड़ा टाइट, और आप सोच रहे हो कि आपका बजट जो है आपका बजट है 1500 से 2000 तक रेंज का, और आपको लेना है एक साइकिल, एक बेहतरीन साइकिल, और जो है आपको मन में ये डाउट है कि वो 2000 का साइकिल क्या 2 दिन चल पाएगा, क्या 2 महीने चल पाएगा, या फिर 2 साल चल पाएगा। तो आज जो है आज ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है उन पेरेंट्स के लिए या फिर उन बच्चों के लिए जिनका जो है प्राइस सेगमेंट थोड़ा कम है, थोड़ा कम बजट में उनको चाहिए थोड़ा अच्छा क्वालिटी का साइकिल, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। तो मैं पहले ये बताऊंगा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए डालते रहते हैं, और जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते, हमें चीज का बुरा हमेशा से लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है आज ये साइकिल जो हम रिव्यू करना चाह रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो है 1500 से 1800 के रेंज तक। हाँ जी, 1500 से 1800 तक रेंज का काफी बढ़िया क्वालिटी का साइकिल होने वाला है। तो देखिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पता चलेगा आपको कि ऐसा साइकिल आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या ये साल 2 महीना 3 महीना या फिर 3 साल या फिर 2 साल चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे वीडियो के एंड तक कि कैसा होने वाला है ये साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो साइकिल है, ये साइकिल आपका 14 इंची का साइकिल, प्राइड कंपनी की तरफ से काफी बढ़िया क्वालिटी का साइकिल है। ये साइकिल में हाई एंड साइकिल से कंपेयर नहीं करूंगा, पर जरूर कंपेयर करूंगा उन चीप साइकिल्स के जो प्राइस सेगमेंट में आ रहा है आपका 1000 से लेकर 1200 के रेंज तक। हाँ जी, 1000 से लेकर 1200-1300 तक रेंज का। तो मैं जो बोलूंगा आप उस रेंज में ना लेकर थोड़ा ज्यादा पैसा दीजिए, और 1500 से जो 1800 मान के चलिए जो 2000 तक का रेंज का है उस सेगमेंट प्राइस सेगमेंट में काफी बढ़िया और फिट बैठने वाला है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी इधर है भैया, क्वालिटी उधर नहीं, क्वालिटी इधर है। हाँ जी, तो जो है ये उस सेगमेंट में काफी बढ़िया प्रूफ करने वाला है, और मैं प्रूफ करवा के दिखाऊंगा आपको, देखिए आपके सामने रहेगा। तो जो है ये 14 इंची का साइकिल है, ये उन बच्चों के लिए एकदम सही बैठने वाला है जिनका उम्र है मान के चलिए 3 साल से 5 साल के बच्चे तक, 3 साल से 5 साल। हाँ जी, 3 साल से 5 साल, तो उसके लिए काफी फिट ये साइकिल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू करना। जो हैंडल आपको नॉर्मल वाला हैंडल मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है जो ग्रिप जो आपका कवर है वो आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है प्राइड। हाँ जी, आपका प्राइड, मेरा प्राइड, वही बच्चा। तो जो है जैसे ये नाम प्राइड है, वही ये साइकिल हमारा प्राइड है। आपको समझ में आया, ये साइकिल हमारा प्राइड है, तो काफी अच्छा साइकिल ये होने वाला है। हम इसका हम इस पर प्राइड करते हैं, ठीक है। हम इसमें काफी इसमें अच्छा अच्छा क्वालिटी का पार्ट्स लगा हुआ है। तो चलिए रिव्यू करते हैं। हैंडल तो मैंने वही बताया कि नॉर्मल वाला हैंडल दिया हुआ है, जो ग्रिप कवर है वो एकदम जो चिप क्वालिटी का ग्रिप कवर रहता है उससे थोड़ा बेहतर क्वालिटी का ग्रिप कवर इसमें दिया हुआ है। जो क्लच है काफी अच्छी क्वालिटी का क्लच दिया हुआ है। ब्रेक केबल जो है, ब्रेक केबल मैं बोलूंगा नॉर्मल वाला ब्रेक केबल दिया हुआ है, जो सस्ता वाला ब्रेक केबल दूसरे साइकिल में भी लगता है वही दिया हुआ है। पर आप देखिए इस प्राइस सेगमेंट में आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग सही है, चलेगा, कोई खराब नहीं है। जो बास्केट है वो काफी प्यारा सा डिजाइन सा बास्केट दिया हुआ है, आप देख ही सकते हो। जो इसमें जो है थोड़ा एग्रेसिव वाला लुक आ रहा है, काफी बढ़िया क्वालिटी का बास्केट देखने में लग रहा है। जो फर्क है वही नॉर्मल वाला एवरेज से, मतलब हल्का से थोड़ा अच्छा वाला फर्क दिया हुआ है, लेकिन जो मडगार्ड है एवरेज क्वालिटी का मडगार्ड दिया हुआ है। जो रिम स्पोक है, देखिए रिम स्पोक का जो ट्यूबलेस टायर है, ठीक है, आप कितनों बोलो बहुत जन ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्यूबलेस टायर है ये बहुत पतला है, लेकिन मेरे भैया आप रेंज भी तो देखिए ना, अब बजट बढ़ाओगे तब ना जाके आपको मोटा माल मिलेगा, लेकिन उस प्राइस सेगमेंट में जैसे मैंने बताया आपको 1500 से 1800 तक का रेंज का ये काफी बढ़िया, यही आपको जो है स्पॉन्जरस टायर मिलने वाला है, ठीक है। तो जो ये कोई बड़ा बात है नहीं, मान के चलिए अगर स्पॉन्जरस टायर खराब हो गया तो जो है आप बाद में भी इसको टायर ट्यूब लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है वो है क्वालिटी, बाकी का क्वालिटी जो आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। तो ये जो है काफी अच्छा है ट्यूबलेस टायर, मैं बोलूंगा थोड़ा हल्का है पर काम चलने लायक है, ठीक है। जो फ्रेम का वेट है मैं बोलूंगा काफी है, खराब नहीं है, हेवी है, मोटा मोटी 6 से 10 kg के अकॉर्डिंग होगा ये वेट प्रूफ साइकिल का वेट, तो काफी है। जो चेन कवर है वो है आपका लोहा का चेन कवर है, काफी अच्छे क्वालिटी का चेन कवर है। जो पेडल आ रहा है वो आ रहा है कलर्ड पेडल, हाँ जी कलर्ड पेडल आ रहा है, हेवी क्वालिटी में पेडल आ रहा है, अच्छा है पेडल। जो बैकरेस्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका बैकरेस्ट, बैकरेस्ट देख ही सकते हो, इसमें 4 वोल्ट वाला बैकरेस्ट दिया हुआ हैवी है, देखिए एकदम हेवी वाला प्रोडक्ट है। तो साथ में जो आपका रॉड आ रहा है वो आ रहा है आपका सिंगल रॉड सपोर्टर आ रहा है, रॉड थोड़ा हल्का है, सपोर्टिंग चक्का जो चीप साइकिल्स में लगाता है उससे थोड़ा बेहतर है, ठीक है। तो आप एकदम चीप साइकिल ना लेके तो ये वाला साइकिल ले सकते हो, सपोर्टिंग रॉड या फिर सपोर्टिंग चक्का काफी है, अच्छा है, हैवी है। जो इसमें आ रहा है पीछे आ रहा है, इसमें आ रहा है खरपेचा केरियर विद खरपेचा स्प्रिंग,
ठीक है। तो इसमें क्या है कि कभी किताब वगैरह हो गया, अगर कुछ भी बच्चे कहा किताब रखेंगे, मान के चलिए कुछ भी हो गया, उसका कुछ चॉइस वगैरह हो गया या फिर कुछ खेल करना हो गया, तो इसमें आराम से वो घुसा के ले जा सकता है। मान के चलिए प्लास्टिक का बैट हो गया तो वो ले सकता है आराम से, काफी अच्छा है। तो जैसे कि किड साइकिल में हमेशा मैंने बोला हुआ है कि हमेशा चेन व्हील क्रैंक टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप साइकिल लीजिएगा। हाँ जी, तो चेन व्हील क्रैंक टेस्ट क्या होता है वो हम करके दिखाएंगे आपको, बताएंगे कि हाँ ये चेन व्हील क्रैंक टेस्ट पास करता है कि नहीं करता है। मेरे हिसाब से पास कर जाएगा, तो बाकी देखते हैं क्या होता है उनके, हमारा पास करता है कि नहीं करता है। ठीक है, मैं पहले अपना जो वायर है वो तो लाटा रहता हूँ, नहीं तो ये फट जाएगा। हाँ अभी देखिए ये क्या हो गया, फंस क्यों गया, ये तो फंस रहा है। एक मिनट, इसमें फिटिंग में कुछ इशू आएगा शायद, ये तो चेन गिर गया इसका। अच्छा, इसमें जो है जैसे कि देखिए इसमें जो है इसमें चेन गिर गया। ठीक है, तो हम जो है एक दूसरा साइकिल लेके देखते हैं कैसा है, ऐसा सेम क्वालिटी का साइकिल। उसमें शायद कुछ फिटिंग इश्यूज रहा होगा। चलिए इसमें देखते हैं चेन को घुमा के कैसा है इसका। इसमें पूरा स्मूथली घूम रहा है, ठीक है, काफी बढ़िया क्वालिटी का है ये। उसमें शायद कुछ चेन जो है कुछ ज्यादा ही ढीला रह गया होगा, इसलिए चेन गिर रहा है। तो हम लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया। चलिए सेम ही साइकिल है ये, तो ये चेन इसमें पूरा ठीक से घूम रहा है। तो ये जो है आप देखिएगा खरीदने के पहले कि ये चेन ठीक से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर टेक्नीशियन बोलते हैं कि हाँ ये हम ठीक करके देंगे, ऑन स्पॉट ही ठीक करवा लीजिएगा, क्योंकि बाद में इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, तो अच्छा सा ये साइकिल है। बाकी मैं इसमें बैठ के दिखाया जाता हूँ इसका वेट वगैरह, मतलब ये मेरा लोड ले पाएगा कि नहीं पाएगा। एकदम बढ़िया है, लोड ले रहा है, ठीक है, कुछ होने वाला है नहीं। तो उस प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छा सा रहने वाला है, और आपको जो है इस चीज का क्वालिटी टेस्ट जरूर करना है, चेन व्हील क्रैंक टेस्ट जरूर कर लेना है इस प्राइस सेगमेंट के साइकिल्स में। ठीक है, तो प्राइस मैंने बता दिया आपको, प्राइस के अकॉर्डिंग इसको मैं रेट करना चाहूंगा। जैसे कि इसका प्राइस सेगमेंट होने वाला है 1500 से 1800 के रेंज का, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसको रेट करना चाहूंगा मैं 4 out of 5। और जो क्वालिटी रहने वाला है, क्वालिटी का एवरेज ही रहने वाला है, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसको मैं रेट करना चाहूंगा 4 out of 5। और जो वैल्यू फॉर मनी रहेगा, वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से इसको मैं रेट करना चाहूंगा 4 out of 5। ठीक है, तो मेरे जितने भाई बंधु मेरे दोस्त है, मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका बजट है मान के चले 1200 रुपए, तो आप उसको एक्सटेंड कीजिए, आप वो साइकिल मत लीजिए जो कि 1000 और 1500 के अंदर में आ रहा है। हमेशा आप 1500 से 2000 के रेंज में ही लीजिए। तो इससे क्या होगा कि साइकिल कम से कम 2 से 3 साल चल जाएगा अगर आप टायर ट्यूब चेंज कर लेते हो। तो काफी बढ़िया सा साइकिल होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और सलाम इंडिया दोस्तों।